मेरा पुत्र जी का नाम कंचन कुमारी, मेरा छोटा भाई का नाम जमी रुद्र सिंह, और मेरा नाम अमर पद आना सरदार। आज मैं अपनी महारानी मनाता हूँ, कुछ देर दरबार में आराम करूंगा। लेके आपके पास आई। बतलाओ महारानी, क्या बात है? तेवर जी के मोरंगर से एक पत्र आया है, देवर जी का 8 रोज का ऑर्डर दीजिए, अपने ससुराल जाएंगे। महारानी, मैं रुद्र सिंह चले जाएंगे यहां से, देश विदेश के राजा महाराजा राज महत्व चाहे करेंगे, मैं रुद्र सिंह के वही ऑर्डर नहीं दूंगा। स्वामी जी, हाँ महारानी, देवर जी जब तक अपने ससुराल में रहेंगे तब तक मामा जी अपनी राज की पहरा करेंगे। Oh,
मामा जी से बात करिए ना। पर ना मामा जी, भागे मामा जी। हाँ, ये महारानी हल्ला पा रही है, ये बोलती है रुद्र सिंह के ऑर्डर दीजिए अपने ससुराल जाएगी। की भले जब ये बंदर के आजकल के ब्याह है छे तो साथ में चल ले, लेकिन ना पाना परोस भाग ले लिया। हाँ ये है मामा जी, बात ये ले रात महबा में जरूर ना जाए ना मामा जी। हाँ, और आज महबा पर चाय करेंगे, मैं क्या करूंगा? कैसे राय करते हैं? ये तो मेरा नहीं बात है, मैं जिसे साथ में चकला करूं। अरे आठ रोज के छुट्टी लेके हर नंबर रोज लेते हम ही कहते मामा जी। हाँ, ये रुद्र सिंह के रिक्स कौन ले गया? अरे आप ले लो। हाँ ठीक है मामा जी। महारानी। हाँ स्वामी, ठीक है, आठ रोज का मैं मोहलत देता हूं और नामा रोज नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? आएंगे, अवश्य आएंगे देवर जी, मैं बुलाती हूँ देवर जी को। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। की बात चेको? मैं तो जानता हूँ कि राज महापा की जन्म की पैरी आप है, इसलिए ये न हो कि रुद्र की ससुराल जाने पे कोई राज का खबर कर जना देना। नहीं, नहीं ना, नहीं। जब तक मैंने मोरन दर्शाऊंगा आप खड़े दूजी। ठीक है भाई साहब, रुद्र सिंह भाभी सोना कुछ रहे होगी ना? हाँ हाँ, आपको क्या विचार हुआ? ठीक है रुद्र सिंह, तुम चले जाओ।